We worked very hard for five years on this film, and getting this award is really a recognition of the efforts and the struggle and sacrifice. It's a tribute to all the victims of genocide, victims of religious terrorism, and victims of persecution all over the world. Kashmir Files जैसे subject को इस तरह का recognition जो मिला है, उसको लेके मुझे मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ गई है। द कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस पल्लवी जोशी, आपको रजत कमल का सम्मान। पल्लवी जोशी फॉर द कश्मीर फाइल्स, अ पावरफुल परफॉर्मेंस ऑफ अ वुमन हु स्ट्रॉन्गली डिफेंड्स एंड टेक्स अ स्टैंड फॉर हर बिलीफ, पोर्ट्रेड इन द मूवी द कश्मीर फाइल्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पल्लवी जोशी फॉर द फिल्म कश्मीर फाइल्स। फीलिंग तो जब भी आपको स्पेशली राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो बहुत अच्छी फीलिंग तो रहती ही है, लेकिन एक विशेषता ये है इस पुरस्कार की कि पिछली बार जब हमें ताशकंद के लिए ये अवार्ड मिला था और अब कश्मीर के लिए मिल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे पति पत्नी हैं जो काम करते हैं, और बहुत सारे पति पत्नी ऐसे भी हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, लेकिन एक ही साल में एक ही फिल्म के लिए दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार शायद पहली बार मिला था ताशकंद के वक्त, और अब ये दूसरी बार हो रहा है, तो एक उसकी ज्यादा खुशी है। और कश्मीर फाइल्स जैसे सब्जेक्ट को इस तरह का रिकग्निशन जो मिला है, उसको लेके मुझे मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ गई है लोगों के नजरिए को लेके, क्योंकि जिस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई एक तरफ, दूसरी तरफ उस फिल्म को बहुत सराहा गया, लोगों ने इतना पसंद किया उसको, और मेरे हिस्से में जो कैरेक्टर आया था तो सारे कश्मीरी पंडितों की पीड़ाएं सुनने के बाद एक ऐसा कैरेक्टर मुझे निभाना था जो कि बिल्कुल उसके विपरीत था, उस विचारधारा के विपरीत था, तो बतौर एक्टर मुझे काम करते हुए बड़ा मजा आया, लेकिन एक इंसानी तौर पे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी वो किरदार निभाते हुए, लेकिन उस किरदार को कहीं इतना रिकग्निशन मिला बड़ा कि राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत मुझे किया गया, इससे बड़ी और क्या जीत हो सकती है और क्या जवाब हो सकता है उन लोगों को जो कि कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। हाँ, मैंने शुरू से देखिए, आपने शायद देखा नहीं होगा, आप बहुत यंग हैं अभी, लेकिन शुरू से मैंने जितने भी किरदार किए हैं उस वो सब कहीं ना कहीं एक एम्पावर्ड वुमन के रहे हैं, कुछ एक फेमिनिज्म के स्टेटमेंट करते हैं। मेरा रुझान हमेशा इसी तरह के किरदारों पर रहा है। ताशकंद और कश्मीर में खास करके पहली बार मैंने थोड़ा एक ग्रे शेड का कैरेक्टर किया था, कश्मीर में तो टोटली नेगेटिव कैरेक्टर था, तो कभी किसी ने शायद सोचा नहीं था मेरी शक्ल देख के कि मैं इस तरह के कैरेक्टर में मुझे कोई कास्ट करे, लेकिन विवेक ने जाना कि ये कर सकती हूँ मैं, और इसकी वजह से एक बहुत यूनिक सा वो कॉम्बिनेशन बन गया। एंड जब आप किसी एक क्वार्टर से, जब आप किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते, उस क्वार्टर से कभी आपको कोई चीज मिल जाती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, मेरे ख्याल से वही हुआ मेरे कैरेक्टर के साथ। एनी मैसेज फॉर विमेन, लाइक घर में कुछ? मैं तो कहूंगी आज के राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सकते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, उन्होंने सारे ऑड्स को बीट करते हुए और हर एक चैलेंज को फेस करते हुए वो आज हमारे भारत के राष्ट्रपति बन चुकी हैं, और वो इतनी बड़ी प्रेरणा है सारे लोगों के लिए, सारी औरतों के लिए, कि हम कितना भी ये सोचे कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें फिर भी वो शक्ति होती है, बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तो आपके अंदर जो भी शक्ति है आप उसे पहचानिए। जब हम वुमेन पावर की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमेशा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपने
यू नो आवाज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप बहुत छोटे काम से और बहुत प्यार से, बहुत ममता से भी आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती है। कौन सा रवैया आपको अपनाना है ये आप देखिए, आपकी शक्ति किस में है ये आप जानिए, लेकिन हाँ उस शक्ति को पहचान के उसको समाज के कार्य में लगाइए जरूर। राष्ट्रीय एकता संबंधी मंच पर बता रहे हैं फिल्म के निर्देशक श्री विवेक अग्निहोत्री। National Integration Award is being bagged by the one and only the Kashmir Files, ladies and gentlemen, and the film that deals with socially relevant subject about the integration of the country, Kashmir Files, take a National Film Award here in this category also. Let's put our hands together. We worked very hard for five years on this film, and getting this award is really a recognition of the efforts and the struggle and sacrifice the entire team of Kashmir Files made. But this is, I think, above all, it's a tribute to all the victims of genocide, victims of religious terrorism, and victims of persecution all over the world. We are going through very turbulent times where the half of the world is fighting and is at war, especially with Israel and Palestine. This film is a great message for the world to understand what happens when you let the religious terrorism succeed. So I think it's a great tribute to, but above all, I think it's a great honor and tribute to the voice of Kashmiri Pandits, who were persecuted and for 32 years who were silenced and nobody heard their voice. So you make movies on the social issues that touch the society, things that people are not aware of, like Tashkent Files, Kashmiri Files and now Vaccine War. So how come these ideas come in your mind, and do you think such movies should be made more likely? I think it's time that cinema should be used as a soft power, and more than that, we should see, we like to make impactful cinema. A lot of people want to make commercial cinema only for money, so we are not part of that. We are, our mission is to make cinema which creates impact on the society and which changes people's perception about a particular narrative which has been created with various agendas. So we want to bring truth in front of people and change their lives.